नमस्कार वनडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुजनेल। झारखंड में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में बस और कार की ज़बरदस्त टक्कर हुई। बता दें ये टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि बस में आग लग गई। आग की लपटों ने कार को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कार में सवार सभी 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस हादसे की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुँच गई। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि हादसा रामगढ़ के पास राजरप्पा थाना क्षेत्र में हुआ। यहां बस और कार में आमने सामने से टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी लोग बिहार के रहने वाले थे। आपको बता दें ये दर्दनाक सड़क हादसा मुरबंदा लारी के पास हुआ, जहाँ सामने से आ रही वैगनार कार बस से टकरा गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि दोनों वाहनों में आग की लपटें उठने लगी। इससे 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि महाराजा बस धनबाद से रांची की तरफ जा रही थी, वहीं कार रांची से आ रही थी। कार की रफ्तार काफ़ी तेज थी। मुरबंदा के पास कार अनियंत्रित हो गई और कभी बाएं तो कभी दाएं की तरफ जा रही थी। बस ड्राइवर ने कार को काफ़ी बचाने की कोशिश की। कार के साथ बस चालक ने बस की साइड बदली, लेकिन देखते ही देखते बस के अगले हिस्से में कार जा घुसी और कुछ ही देर में आग लग गई। बता दें घटना की सूचना पाकर राजप्पा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विपिन कुमार सदबल मौके पर पहुंच गए। धू धू कर जलते बस में लगी आग पर काबू पाने के लिए रामगढ़ से दमकल टीम को बुलाया गया। घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। बता दें इस भीषण दुर्घटना में बस कार पर चढ़ गई और दोनों वाहनों में आग लग गई। इस हादसे में कई लोग वाहन में ही फंसे रह गए। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। ये सभी लोग बिहार के रहने वाले थे। बता दें कि सूचना पाकर राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस के मुताबिक कार में मरने वालों में एक लड़का 2 महिलाएं भी शामिल हैं। दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव इतनी बुरी तरह से जल गए हैं कि उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।